हाय, मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धांत भार्गव। आई एम द co-founder ऑफ फूड दर्जी, एंड जैसा कि आप जानते हैं, आई ऑलवेज कम हियर एंड गिव यू इनसाइट्स, आई गिव यू इन्फॉर्मेशन, आई गिव यू दीज काइंड ऑफ मिथ्स, आई बस्ट दीज काइंड ऑफ मिथ्स, जिससे आपकी जिंदगी में वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड क्योंकि मैं आपकी जिंदगी में वैल्यू बढ़ाता हूँ, बिकॉज फूड दर्जी इंक्रीजेज वैल्यू टू योर लाइफ, गिव्स यू वैल्यू टू योर लाइफ, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू द फूड दर्जी चैनल। वो बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें, विच इज़ एवरी ट्यूजडे एंड एवरी फ्राइडे, आपको एक घंटी बजेगी एंड यू विल नो दैट हमने एक वीडियो डाला है, ताकि आप आइए, आप देखेंगे वीडियो को, आप वैल्यू लेंगे वीडियो से, एंड देन आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करेंगे। ना, आज का टॉपिक बहुत सिंपल है। आज का टॉपिक ऐसा है जो पूरी दुनिया पागल हो रही है। क्या रोटी, क्या ब्रेड को छोड़ना ज़रूरी है? इज एलिमिनेटिंग व्हीट फ्रॉम योर डाइट हेल्दी फॉर यू? अब यू नो दिस अबाउट मी, आई हेट द वर्ड हेल्दी थ्रोन लूजली। इसका कोई मतलब नहीं होता है, बिकॉज हेल्दी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। बट इज व्हीट, मोर स्पेसिफिकली ग्लूटिन, सब कहते हैं ना मैं ग्लूटिन इंटॉलरेंट हूँ, मैं ग्लूटिन सेंसिटिव हूँ, ग्लूटिन खाना बुरी बात है, ग्लूटिन ग्लूटिन ग्लूटिन, वॉट इज ग्लूटिन? ग्लूटिन इज अ प्रोटीन इन व्हीट विच गिव्स इट द बाइंडिंग एबिलिटी। जब आप रोटी बनाते हैं, जब आप आटा गूंथते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ में व्हीट डालते हैं, एक बाइंडिंग मिलती है उसे, ग्लूटिन कॉजेज दिस बाइंडिंग। नाउ ग्लूटिन की खराब बात ये हो जाती है दैट सर्टन सेक्शन ऑफ आर सोसाइटी इज ग्लूटिन सेंसिटिव और ग्लूटेन इंटॉलरेंट, यानी जब ग्लूटेन उनके पेट में जाता है, दे हैव सम काइंड ऑफ अ रिएक्शन, वेदर इट्स ब्लोटिंग, वेदर इट्स सम काइंड ऑफ अ रैश, वेदर इट इज अ फीलिंग ऑफ डिस्टेंशन, वेदर इट्स गैसीनेस, बट ये हर इंडिविजुअल को नहीं होता है। अब लोगों का ये मानना हो गया दैट वीट को एलिमिनेट करना मतलब हेल्दी हो जाना, विच इज नॉट ट्रू। देर इज अ कंडीशन नोन एज सीलियाक डिजीज, यानी उनके जब स्टमक में, उनके जब इंटेस्टाइन्स में जब ग्लूटेन जाता है, उस पॉइंट इन टाइम पे उनको रियली बैड रिएक्शंस होते हैं। बट ओनली 2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्चुअली ग्लूटेन अलर्जिक, इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम सीलियाक डिजीज। मतलब 98% ऑफ द पॉपुलेशन, विच इज यू एंड आई, वी रियली डोंट नीड टू बी एलिमिनेटिंग व्हीट फ्रॉम आर डाइट। अगर आपको व्हीट पसंद नहीं है, अगर आपको लगता है दैट व्हीट आपको ब्लोटिंग करता है, तब मत खाइए। बट डोंट लिसन टू दिस वियर्ड नोशन दैट क्योंकि कुछ न्यूट्रिशनिस्ट और कुछ डाइटिशियंस ने ये बात कह दी है दैट वीट तो बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए आप मना कर देंगे। बिल्कुल नहीं। वी एज इंडियंस हैव बीन ईटिंग वीट फॉर द लॉन्गेस्ट दैट वी नो। 10 साल पहले क्या वीट खाने से या रोटी खाने से आपको अजीब सी फीलिंग आती थी पेट में? नहीं, यू नेवर हैड इट। सो वाई स्टार्ट हैविंग इट नाउ जस्ट बिकॉज मीडिया एंड मार्केटिंग हैज मेड ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट सच अ लार्ज थिंग? सो माई ओपिनियन ऑन दिस इज दैट ओनली इफ यू आर ग्लूटेन सेंसिटिव और ग्लूटेन इंटॉलरेंट और वीट अलर्जिक, मतलब अगर एक पीस ऑफ पेपर, इफ अ टेस्ट हैज गिवन यू द आंसर दैट यस यू आर इंटॉलरेंट और यू आर सेंसिटिव और यू आर अलर्जिक और यू एक्चुअली फील डिस्कम्फर्ट व्हेन यू कंज्यूम वीट, सिर्फ उस सिचुएशन में वीट या ग्लूटेन को छोड़ने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एन इंडिविजुअल लाइक यू एंड आई हैज नो रीजन टू क्विट वीट और टू लेबल देमसेल्फ एज ग्लूटेन इंटॉलरेंट। सो एक और मिथ बस्ट कर दी मैंने। Keep following this channel, click on that subscribe button, click on that bell icon, because as you're understanding from this what we're doing, I will keep coming in every week, I will keep busting myths for you, I will keep solving your issues, I will keep adding value to your lives, I will keep teaching you how to really be healthy and not just pseudo healthy. Thank you so much for watching this video, click on that like button, share this with all of your friends and family, and remember we come up with videos every Tuesday and every Friday.